सर सर आप थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे पीछे पवन पीछे। थोड़ा थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा, ये आपके साथ इसके फादर का फोटो, आपके साथ रहा हूँ बड़ी देर में, इन्हें नौकरी की प्रचोदयात् ओम शांति शांति शांति। अलहमदिल्ला रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्ताईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलादालीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। लेवीर फोटो मारो, ये याद रखना चाहिए कि वो आदमी है, कभी ये मैं छप देता हूँ कि वो यहाँ नहीं, कभी इनको शिकायत न हो कि जब वो गुजर गया तो उसके बाद किसी ने यहाँ नजर नहीं, कभी भी आपको कोई तकलीफ हो कुछ भी हो राणा साहब यही है और जो भी हम कर सकते आप हमें सिर्फ बताइएगा, हम आपके लिए हिम्मत रखनी है जिम्मेवारी है, बहुत तेरी जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी, घबरा नहीं, भाई जिंदे हैं हम, अब हमारा कर दिया तो कर सकते, अब हम लोगों का पास है कि हम कभी इस घर को भूलेंगे और इसके घर के साथ वैसे ही रखें जैसे कि वो है। यहीं पर की चादर उसे आमों को करो, मैं नहीं करूँ, मारे काम है अपने पिछले जल्दी नहीं करो, सबको जुमा, सबको जुमा, बैठ के साथ खाएं, कभी ये नहीं महसूस हो उनको कि नहीं वो चले गए तो हमें छोड़ आप मृत्यु हुई थी कोरोना वायरस की वजह से, उनके घर में आए हैं यहाँ पर तालाब किलो में और यहाँ पर फारूक साहब सर इलेक्शन पे सर होने के बाद फारूक साहब इलेक्शन पे जम्मू कश्मीर आए जम्मू आए हैं जम्मू पहुँचे हैं और यहाँ से ये यहाँ पर वो जो सामने आप देख सकते हैं शॉप है छोटी सी, यहाँ पर बनाया गया है डॉक्टर यहाँ पर रोहित करने के साथ
देंगे और यहीं से वो आगे बिहार के जहाँ उन्होंने कहा था कि जिस तरह से यूएस में डोनाल्ड ट्रंप हारे हैं वैसे ही बिहार इलेक्शन में महागठबंधन जीतेगा और एनडीए हारेगा। लेकिन अभी फिलहाल इस तरह के रुझान चल रहे हैं उसमें एनडीए आगे है और कांटे की टक्कर चल रही है। कुछ कहना है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछने का प्रयास करेंगे। फारूक साहब थोड़ा सा इलेक्शन पे सर, सर इलेक्शन का सब बिहार इलेक्शन फारूक साहब फारूक साहब स्टेटमेंट दिया था फारूक साहब यहां पे डॉक्टर फारूक लिए आए थे और यूथ प्रेसिडेंट जो रोहित केरनी है जिसने पार्टी के लिए दिन रात काम किया, कभी उसने अपना घर नहीं देखा और ऐसे मौके पे फारूक साहब का यहाँ पे आना, पिछले काफ़ी टाइम से वो आने की कोशिश कर रहे थे पर आपको पता है कि इस टाइम सियासत का माहौल कैसा चल रहा है। बट मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एजाज जान साहब का, राणा साहब का, जिन्होंने हमारी बात को रख कर फारूक साहब का, हालांकि उमर साहब ने भी यहाँ पर आना था पर कुछ मजबूरियों के कारण उनको वापस जाना पड़ा, तो आके यहाँ पर उन्होंने फैमिली को पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, जहाँ कभी भी उनको जरूरत पड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब फारूक साहब साला बशाना उनके साथ। आप खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ से हैं, कितनी कमी खल रही है रोहित केरनी के जाने के बाद? देखिए कमी तो मैं बयान नहीं कर सकता, ये मैं ही जानता हूँ कितनी कमी खल सकती है, क्योंकि वो मेरा एक दोस्त ही नहीं था कि मैं उसके बिना हमारा कुछ चलता नहीं है, हम ऑफिस के अंदर जाते हैं तो हमें उसकी याद आती है, तो ये तो अब ऊपर वाले की मर्जी थी, हमसे जल्दी उसको ले गया, पर हम यही अरदास करेंगे दुआ करेंगे कि पीछे उसका जो बेटा है उसको सहन शक्ति मिले और आने वाले दिनों में यह हमारा वादा रहा हम उसको ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जाओ जो रोहित ने सपना देखा था वो हम उसका सपना साकार स्वीकार कराएंगे।